आपकी बुक के अंदर तो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि पूछा था ये किसके पार्ट है, राइस सीड का एप्पल एक फ्रूट है उसका, कैरेट रूट पार्ट है, पल्स मिल्ट एक सीड पार्ट है, रेडिश एक रूट पार्ट है, एंड ऑनियन क्या है एक रूट पार्ट है। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम, ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना, एक नवरात्र स्थापना का दिन था, यू मस्ट हैव सीन व्हाइट मिल्ट, आपने व्हाइट मिल्ट यानी कि जिसको क्या बोला जाता है, ज्वार बोला जाता है, ग्रो इन नियर बाई टेम्पल्स, आपने आस पड़ोस के मंदिरों में देखा होगा, एंड हाउसेज आल्सो, और अपने घरों में भी। टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया जाता है, पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, अलग अलग उसमें सीड्स लिए जाते हैं, इन इट एंड कवर द सीड्स विद सॉइल, और उन्हें उन सॉइल्स को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन द अदर कंटेनर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उनकी फॉर्म्स इसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन के रूप में देखनी है। इसके बाद प्लांट्स दैट ग्रोथ विदाउट सीड्स, जब प्लांट्स विदाउट सीड्स के ग्रो होते हैं तो देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बरसात का सीजन आता है, यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स, आपने स्प्राउट्स देखे होंगे, स्प्राउट्स क्या होते हैं जो आप ऊपर इमेज में देख रहे होंगे फिगर नंबर 6.2 में, ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो, जैसे पोटैटो होता है उसके, अब आप इसको जर्मिनेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पोटैटो का दिखा रखा है, इन योर ब्रीथ दिस पोटैटो इन अ पॉट कंटेनर सॉइल, जैसे आप सॉइल के एक पॉट के अंदर उसके अंदर उसको कर दोगे तो आप थोड़ी देर में देखोगे पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, वो ग्रो होने लग गया। सिमिलरली इसी तरीके से इफ़ वी पुट ए लीफ ऑफ बिलोरोफिल्म, बिलोरोफिल्म का मतलब होता है पत्थर चट्टा, इन अ पॉट, एक पॉट के अंदर लेते हैं कंटेनिंग ऑयल, कंटेनिंग ऑयल के रूप में, देन अ न्यू प्लांट विद ग्रो फ्रॉम दैट लीव्स, उसकी लीव्स क्या हैं जनरेट होने लग जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर, एन एफर्ट कैन बी मेड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट टूवर्ड्स, यानी किसी भी काम को करो तो टीचर्स के या किसी अपने बड़े के गाइडेंस में ही करो उसको, अपने आप हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके अंदर ये बताया गया फॉर्मेशन ऑफ द प्लूमिन रेडिकल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इनका जो प्रोसेस होता है, हाउ द जर्मिनेशन सीडिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन इट, उनके अंदर क्या होता है सीडिंग, उनके बीच के अंदर एक फूड स्टोर्ड होता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड एंड द डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सीड, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस सीड की जिस पोजिशन पर रिक्वायरमेंट है हमें अंडर गार्जियन यानी कि किसी से समझ कर फिर उस काम को करना चाहिए। इसके बाद नीचे पॉइंट्स हैं, पॉइंट फॉर द डिस्कशंस, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस विद प्लांट्स, प्लांट ग्रो विद अ सीड, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू देयर ग्रो, आप अपने ऑब्जर्व करोगे आसपास में, जैसे कि हर एक मिंट प्लांट, एक पुदीने का प्लांट लिया इट्स रूट, उसकी जड़ को, और उसे क्या करा गीली मिट्टी के अंदर डाल दिया, वीट सॉइल का मतलब होता है गीली मिट्टी। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय बाद हम देखेंगे मैनी मिंट प्लांट्स ग्रो इन दिस प्लेस, उस जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे मिंट के यानी पुदीने के प्लांट्स ग्रो हो गए। एट मीना होम देयर वाज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ ग्लास बॉटल, एक मनी प्लांट को लेते हैं उसको एक ग्लास बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में लगा देते हैं। तहसी एट द आस्ट हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, एक वो किस तरीके से ग्रो हो जाता है। मीना टोल्ड हिम दैट इफ द पुट वी पुट ट्विग, उन्होंने उसको बताया कि उसके अंदर जो उसकी फॉर्म्स होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है उसकी जो टहनियाँ होती हैं, ट्विग माने क्या होता है टहनी, अलॉन्ग विद इट बट इज अ बॉटल कंटेनर वाटर ए पॉट कंटेनिंग सॉइल दैट इज द प्लांट विद ग्रो फ्रॉम इट, वो अपने आप की पोजिशन के द्वारा ही उस प्लांट के अंदर वाटर के अंदर अपने आप को ग्रो कर लेता है। लेट इज फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज न्यू प्लांट कैन बी ग्रो, इसलिए हम देखते हैं कि उसका कौन सा पार्ट ऐसा है जो उसको एक न्यू प्लांट ग्रो कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। देखो पोटैटो का कौन सा होता है स्टीम, मनी प्लांट का भी स्टीम होता है, मिंट का रूट, रोज का स्टेम, जैस्मिन का भी स्टेम, और ब्रोमिल यानी कि पत्थर चट्टा का लीफ, आप पत्थर चट्टा के पत्ती को भी अगर कहीं लगा दोगे तो उससे भी वो उस पर जहाँ पर सॉइल पोजिशन में उसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन मिल जाएगा वहाँ पर वो ग्रो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, इसको पढ़ेंगे, फिक प्लांट का मतलब होता है पीपल का, ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल, आपने मंदिर की दीवारों वगैरह पर देखा होगा, सी थ्रोट द वू मस्ट द ग्रो इन दिस प्लांट, वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में बड़े होते हैं। सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पापा से कहा, ही टोल्ड हर दैट सीड्स मस्ट हैव रीच्ड थ्रू द सम बर्ड एंड पिजन्स, उसके आसपास पक्षी और कबूतर वगैरह मंडराते रहते हैं, तितर बितर होते रहते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से
सीड स्कैटर इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेसेस पर हाई स्पीड विंड जहाँ तेज़ हवाएं होती हैं, दे फ्लो विद वाटर और दे स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स। द फ्यूनियम ऑफ स्कैटरिंग सीड इज नोन एज डिस्पर्जल, उसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्जल कहा जाता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके रिमेनिंग पार्ट को हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ।